शिवाय। ललिता भागो, इसे ले जाके कहीं भी दफना दो, मेरा दुर्भाग्य। तेरा मुंह देखा? हाँ देखा। बीबा मैं पुलिस को खबर कर दूँ? पुलिस को? नहीं बेटी, उन हत्यारों को पता लग गया तो वे तुझे मार डालेंगे, तो दूर ही रहें झगड़ों से बेटी। बीबा हमें छोड़ दो, जो देखा बताता हूँ। नरेंद्र बब्बर के भाई मनिंदर बब्बर ने आपके पति पर गोली चलाई एसपी साहिबा। तुम सबके साथ एक लड़की भी थी, उसका नाम और पता बताओ। हमने उसे उसी रोज देखा एसपी साहिबा। कहाँ से आई वो, किसकी बेटी, हमें मालूम नहीं।
तूने मेरे पति का खून किया था तब ये कसम खाई थी मैंने कि मैं तुझे जरूर फांसी दिलाऊंगी। चंद लोगों की झूठी गवाही के बल पर मुझको हथकड़ी पहनाई। सुन ले, मुझको सताया तो तेरे पति के पास तुझे भी भेज दूंगा। मैडम, आईजी साहब आपसे फोन पर बात करना चाहते हैं। बंद कर दो इसे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। न जाने कौन है वो जो शहर के सारे राउडियों को बारी बारी से उड़ा रहा है। यू आर राइट सर, काफी कंप्लेंट्स मिली हैं। फौरन मफ्ती में स्टाफ को भेजकर पता लगाइए कि कौन है वो जो सिर्फ गुंडों को पकड़ता है। बाय द वे, आपके पति वाइस चांसलर मुकुंद राव की हत्या से इस आदमी का कोई संबंध है कि नहीं, ये भी हमें फौरन पता लगाना है। ओके सर। तुम सब क्या देख रहे हो? राउडियों को नेस्त तो नाबूद करने की कसम खाने वाला, शहर से कई गुंडों को गायब कर देने वाला वो कालीचरण, जिस फेस में भी हो उसकी हड्डियों को चुकना चूर कर देंगे हम। उसको यहाँ कैसे लाना है वो मैं जानता हूँ। चालू हो जाओ। फूलों को छुआ तो चर्बी उतार के रख है तू। काली चरा, काली चरा, काली चरा, काली चरा, काली चरा, काली चरा, काली चरा। बहुत बार फैला रहा है तू। परसों पार्क में उस संतू गुंडे को मार डाला और कल दो ढीलों के दादा चौधरी को गायब कर दिया। अबे रावड़ियों के लिए मैं हवा हूँ, ये बात अपने लिए ना बोला कर। मैं तो कहता हूँ बड़े बड़े नेता लोग मेरे पीछे हैं। मैं सालीग्राम का राउडी हूँ, मैं चेयरमैन साहब का दाया हाथ हूँ, मैं लाल बाग का दादा हूँ। बड़े बड़े सेठ लोग मेरी मुट्ठी में हैं, तुझे पता नहीं। बेवकूफो, तुम सब लोग तो सिर्फ मोहल्लों के राउडी हो, लेकिन मैं गाजियाबाद का रुस्तम हूँ, जिला बस्ती का दादा और झांसी का गुंडा। जोर जार के मैं स्टेट राउडी हूँ। तो तू स्टेट राउडी है, तुझे तो खटमल की तरह मार देंगे। बच्चा है रे तू, स्त्रियों और अबलाओं के प्राण बचाने का जिस हाथ ने बीड़ा उठाया था, लहू से रंगे उसी हाथ से तुमको मैं मच्छर की तरह मसल दूंगा। तो बच्चों, तुम सब लोगों को थोक के हिसाब से मारूं या दो दो टके वाले भाव से फुटकर मैं मारूं? बोलो क्या चाहते हो। Thank you.
अंदर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। ये तेरी घरवाली है या कोठे वाली? दादो इतने गुस्से में क्यों हो? जानते हो ना मुझे नाचना अच्छा लगता है। यही बहाना बना के एक बार तू पटना घूमने गया था तो वहां इन श्रम्बा को देख के तू अपना दिल दे बैठा और ब्याह के ले आया उसे। करेक्ट। बहन को देखने के लिए यहाँ जब उर्वशी आई तो छोटी ज्यादा बढ़िया डांस करती है ये कह के उसे बर्बाद कर दिया। ये झूठ है, मेरी पहली बीवी से बच्चे नहीं हुए इसलिए मैंने दूसरा ब्याह करना चाहा। तुमने इज्जत का वास्ता दिया तो दूसरा रास्ता चुना। ये काम गलत है, ये जानते हुए भी मैंने इस ब्याह की मंजूरी दे दी तुझे। तुमने अधूरी मंजूरी दी थी इसलिए इसे बच्चा नहीं हुआ। तो क्या तीसरा ब्याह भी करना है तुझको? नहीं तो कितने रोज तक तुम्हें दद्दा दद्दा पुकारता रहूं? बेटा कह के पुकारने मुझे किसी को जन्म देना है, मैं डैडी डैडी सुनना चाहता उसके मुंह से। चल छोड़ इस बात को, हमारे छोटे भाई मनिंदर बब्बर को नागमनी ने अरेस्ट कर लिया है। जेल में वो घास फूस खा के दिन गुजार रहा है, वहां पर जाके उसका हाल पूछने के बजाय जैसी करनी वैसी बननी, ये कहावत तुमने सुनी होगी। उसने तुम्हारी बात सुनी इसलिए जेल गया, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी इसलिए मौज उड़ा रहा हूँ। मंजरे बाबू, इस मौके पर एक छोटा सा किस्सा सुनाता। जल्दी सुना। भीष्म का भाई विचित्र वीर था ना, तुम्हारी तरह उसकी भी दो बीवियां थी। काम वासना में हर समय डूबे रहने की वजह से वो वक्त से पहले ही मर गया। मर जाऊंगा मैं, यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अपनी चमक चलियों के पास जा रहा हूँ। जाओ ना। गोरख वो भास्कर राव आएगा भी? वो जरूर आएगा, वो आ गया छोटा। अरे ये सब क्या है? मिस्टर भास्कर राव को हमने मिलने के लिए बुलाया था तो उनके बदले तुम्हारे आने का क्या मतलब है? मेरा नाम है मंत्री। आप सरीखे हथियारों से हस्त मिलाने पर उनका एक दिवस का मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न भंग हो सकता है। मेरे पिताश्री को ये भय है। तुम्हारा ऐसे बात करना भास्कर राव की बदनसीबी है या तुम्हारा पागलपन है? ये मेरी प्रकृति है। उन हत्याओं में हमारे महेंद्र के साथ तुम भी तो शामिल थे ना, तो फिर साझेदारी में किए काम का दोष एक के सर मरना भी तो तुम्हारी प्रकृति है। मैंने बारंबार कहा किंतु मेरी एक न सुनी आपके त्रुटि सहोदर ने, तो मृत्यु खाना करते। इस मौके पर मैं आपको एक कहावत सुनाना चाहता हूँ। सुना, इसके कठोर शब्द सुनने से तो तेरी कहावत सुनना बेहतर है। सुना। हमेशा नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा, इस पर अमल कीजिए। करेक्ट। मंत्री तुम जाके अपने बाप भास्कर राव से बोलो कि बरसों की हमारी दोस्ती खत्म हो गई, अपने भाई को कैसे छुड़वाना है मैं जानता हूँ। सिंगल डे के लिए चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देखने वाले अपने बाप से बोलो सिंगल डे के लिए मैं उसे जेल भिजवाऊंगा। भागो पिताश्री। चलो गोरख। ठहरो, मत घबराओ। दोस्तों और बंधुओं, भाई और बहनों, आप सब इनसे डरकर मत भागिए, ये सब तो आपके भाई हैं। कौन ये लोग? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं होता? ए, उस्ताद जाओ उस बूढ़ी माँ की मदद करो और पानी भर कर दो। अच्छा उस्ताद, अभी ले। दादी माँ तुम हट जाओ, मैं पानी भरता हूँ। क्या देखता है? फरमाइए उस्ताद। फौरन कचरा साफ कर। अच्छा डाद? अच्छा अच्छा डाद? अबे बीच में मुंडी क्यों ला रहा है? भूल हो गई, पहले वो कीचड़ साफ कर। अच्छा, देखिए पहलवानों, तुम दोनों ने यहाँ अपना डिपो खोल लिया क्या? आप हमें गलत न समझे गुरुजी, गुंडों को सुधारने वाले महापुरुष को तिमान जर्दा वाला पान या मीठा पान दें यही मशवरा कर रहे थे। अरे तू नहीं माना कि आप स्टेट रोड़ी है पर इमाम का पान खा के अपने को संभाल पाएंगे? और कुछ भी बोला तो टीटुआ दबा दूंगा मैं तेरा। मेरी कंपनी
गुरु और डालोगे तो समझो तुम गए काम से, नशा ऊपर ले जाएगा और चक्कर घिन्नी बना के जमीन पर पटक देगा तुम्हें। देखो बिल्लो, मुझसे ना उलझो तुम, तमाम ही क्या इसके बाप को भी हजम कर लूंगा मैं, तुम देखना। गुरु, गुरु, गुरु। अरे दर्दा भी डालता हूँ देखो। देखा गुरु चक्कर शुरू। देखे मुखड़ा मेरा तो बाबू ने थर थर यूं कांप उठे, ये बाबा शिव जी बोले तांडव में हम उनका चेला, बोलू डिस्को करके धनाधन धनाधन। अरे ऊंचा रखो मनवा, दुश्मनों से डरना न भाई, अरे हा अरे झुमल ओ हो, अरे नाच गालो है नशा ही नशा। अरे यम जो देखे मुखड़ा मेरा तो बोले थर थर यूं कांप उठे, धनाधन धनाधन। ये बाबा शिव जी बोले तांडव में हम उनका चेला, बोलो डिस्को करके धनाधन धनाधन धनाधन। जैसे विष पी के शिव जी हमारे डगमगाए शिव शिवा शिव शिवा, वैसे पनवा खे के हम भी यारों चकरा गए, हर हरा हर हरा। ओए छोरों से बोलो ना आए कभी, दादाओं के मुंह पे का लिख लगी, इस दुनिया का रंग बदला ढंग बदला, रंग नया रंग नया। अरे मैं इस गली में क्यों आया, पीछे बोलूंगा अरे धिमता तमता धिमता ता। अरे रैयम जो देखे मुखड़ा मेरा तो बा बोले थर थर यूं कांप उठे, धनाधन धनाधन। ये बाबा शिव जी बोले तांडव में हम उनका चेला, बोलो इसको करके धनाधन धनाधन। अरे कालिया को कृष्ण ने यू बस में किया, बोल हरी बोल हरी। हाय गोपियन कथा वो रखवाला ब्रिज मोहन, बोल हरी बोल हरी। हाय ये जो आया वो भी दिल वाला है, लाडली बहनों का रखवाला है, रक्षक हूँ सबका अब कोई न रोएगा यहाँ, रोएना रोएना। अरे क्या मारेगा उसको कोई रमैया जिसका, अरे धिमता तमता धिमता ता। अरे पनवा खाई के मूड में आऊ, मैं हूँ नहले पे दहला गब्बर सिंगा। अरे दादा लोगों
होश में आओ, हाथ जोड़ो, सलाम करो, मैं आ गया। अरे रे यम जो देखे मुखड़ा मेरा तो बा बोले थर थर यूं कांप उठे। ये बाबा शिव जी बोले तांडव में हम उनका चेला, बोलो डिस्को करके। कर तो रही हूँ। ओफो, इतना वक्त लगाओगी तो माला ग्राहक को शादी के बाद पहुँचेगी। बस हो गया बेटी। माँ ना रो बेटी, तेरा पति गुस्सा करे तो भी चुप रहना। हाँ चुप रहना, चुप रहना, खूंटे से बंधी गाय की तरह मुंडी लाते रहना। चुप रह तू। हमने बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला है तो अब क्या उसे सर पर बिठा के घर बसाना होगा? ऐसा नहीं कहते बेटी, कल तुझे भी शादी के बाद विदा होना है। मेरी विदाई के वक्त रोने के लिए मेरे माँ बाप तो है नहीं। मांझी मांझी, ये फूल ले लो मांझी। मुझसे फूल लगाने का भाग्य तो छीन चुका है बेटी। माफ करना माँ जी, माता पिता तो रहे नहीं, कब किससे कैसे बात करनी चाहिए मैं क्या जानू। बेटी तेरे माता पिता नहीं है? नहीं माँ जी, जन्म देते मुझे तो सड़क पर फेंक दिया था, मुझे तो एक बुढ़िया ने पाला है। ओह सुन बेटी, मुझे शहर के लोग एसपी साहिबा या एसपी नागवणी पुकारते हैं, लेकिन तुम मुझे माँ कह के पुकारना, मेरे प्यासे मन को शांति मिलेगी। माँ जी नहीं, तेरी माँ नहीं है ना, मुझे माँ कह के बुला। ला फूल दे। कितने पैसे हुए? पैसे रहने दो माँ। बता तो सही। एक रुपया। सुन तू रोज फूल लाना, मैं ले लूंगी, खुद के वास्ते नहीं, अपनी बेटी के वास्ते, यानी तेरे वास्ते। माँ घूम तो। राधा। यस मैडम। कालीचरण नाम का एक राउडी शहर के बड़े बड़े गुंडों और राउडियों को किडनैप कर रहा है, पब्लिक और गवर्नमेंट के अमनो अमान को लूट रहा है। ये उसका फोटो है, शहर के तमाम पुलिस थानों में ये फोटो भेज दो, वो जहाँ कहीं भी दिखाई पड़े उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। ये मैसेज टाइप करो। ओके मैडम। आई ना गाय माँ, टाइम हो गया। तेरी मंगेतर ले गई होगी, उसी से पूछ। ओहो हेलो, बात उन्हीं चिड़िया। क्या है लाउड स्पीकर? अपना थोबड़ा देख चुकी हो तो मेरा आईना वापस कर दो, मैं भी तो अपना मुंह देख लूं। थैंक्स। सुनो, शादी से पहले ही इस तरह दीवार पर बार बार चढ़कर झांकना बुरी बात है। ओहो क्या बात है राधा, पकड़ू। लो ब्याह से पहले इतने काम मुझसे करवा रही हो, बाद के लिए भी दो चार काम बचा कर रखो। ठीक से पकड़ो ना, मुझे बिंदी लगानी है। मैं यूनिवर्सिटी से अपने सर्टिफिकेट वगैरह लेने जा रहा हूँ, कल मेरा इंटरव्यू है ना। बस हो गया पृथ्वी, दो मिनट ठहरो। भाई क्या कहने, तुमसे हमदर्दी जताने का मतलब ये हुआ कि तुम समझी कि छूट दे दी तुमको। इन तमाम शैतानियों का मैं गिन गिन के बदला लूंगा तुमसे। क्या बात है। अपने कान में मत लगाओ, मेरे बालों में लगाओ। घूम जाओ। फूल लगा दिया? खुद को भी तो फूल नहीं लगाऊंगा मैं। बस हो गया, फर्स्ट क्लास। अब क्या है? हम तुम्हें कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ओ नो, ना चाबी खोएगी ना हम दोनों कमरे में बंद होंगे। बकवास। ओफो बकवास नहीं है, फिर कहानी है। कहानी सुननी होगी।
सुनाओ। एक सुंदर सी लड़की थी समझ लो मेरी तरह, उसका एक प्रेमी था, उनका ब्याह 2 साल बाद होगा ऐसा बुजुर्गों ने बताया, लेकिन 6 महीने के अंदर ही दोनों का बड़ी धूमधाम से ब्याह हो गया। कैसे हुआ? कैसे हुआ? इस पे क्या बात है? उस प्रेमी ने मंगेतर को ब्याह से पहले गर्भवती बना दिया। 6 महीने क्या, किसी भी महीने में ब्याह हो सकता है। तो फिर हम दोनों भी ऐसा ही कुछ प्रोग्राम क्यों न बनाने पे थी? ठीक है, आओ। ओ पृथ्वी, पृथ्वी और मारूंगा। पूरे 3 साल तक शादी की बात भूल जाओ। फिलहाल तो पीछा छूटा मेरा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम? पृथ्वीराज। क्या संयुक्ता को उड़ाने वाले पृथ्वीराज हो? संयुक्त भारतवर्ष की सेवा करने वाला पृथ्वीराज। गुड, टेक योर सीट। थैंक यू। बाय द वे, तुमने पुलिस की नौकरी करने का फैसला क्यों किया? ताकि भारत के साथ विद्रोह करने वालों को सजा दिलवा सकूं। तुम देश के प्रति इतने वफादार हो? वफा का पाठ सबको पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, पुलिस की खाकी पोशाक ही क्यों होती है? खाकी पोशाक की तरह हर पुलिस वाले का भी दिल कड़ा और मजबूत हो इसलिए। पुलिस थानों की दीवारें लाल रंग की क्यों होती हैं? पुलिस वालों को याद दिलाने के लिए कि न्याय की रक्षा खून बहाकर भी करनी पड़े तो करो। पुलिस वालों के पास बंदूक क्यों होती है? आत्मरक्षा के वास्ते। ये जवाब नहीं दूंगा मैं। उग्रवाद के पैदा होते ही पुलिस की जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। ये बंदूक तो केवल अपराधियों को डरा धमकाकर पकड़ने का सिर्फ एक परमिट है। इस पोस्ट के लिए तुम सेलेक्ट हो जाओगे क्या? इस सवाल का जवाब आप मुझसे मत पूछिए, फैसला आपके हाथों में है। अगर मैं इस नौकरी के योग्य नहीं हूं तो मेरी अर्जी नामंजूर हो जाएगी। मैं योग्य हुआ तो मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी जरूर मिल जाएगी। ओके, यू मे गो। थैंक यू वेरी मच। मैडम, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। आपने बुलाया सर? ये एसआई पोस्ट के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, फॉरन टाइप करो। ओके सर। राजाराम, गणपत राव, पृथ्वी, पृथ्वीराज। पृथ्वी, आता हूँ माँ। आरती ले ले। मेरी नौकरी के लिए तुमने मन्नत मानी है ना माँ? राधा और पृथ्वी का जल्दी से ब्याह हो जाए, ये मन्नत मानी है इन्होंने तो। ए मेरी बन्नो, दीवार पर चढ़कर कोई नई कहानी सुनाने आई हो क्या? कहानी नहीं, वो तो खुशखबरी है। खुशखबरी? जल्दी बताओ। You have been selected as sub inspector of police. सच कह रही हो? Yes, मैंने खुद इन हाथों से ऑर्डर टाइप किया है। Oh, thank you, पहले बताओ। Oh, thank you. थैंक यू, थैंक यू। अरे बेटा पृथ्वी, बड़ों का तो लिहाज कर। आई एम सॉरी माँ। चलो रानी रानी ओ मेरी प्रेम कहानी, छलकी छलकी जानम है तेरी जवानी। बाहों में आ मुझ में समा, तू है हसी मैं हूँ जवान। ओ, 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 ओ राजा राजा धड़कन में तू समा जा, तेरा मेरा बंधन है 100 जन्मों का। बाहों में आ मुझ में समा, तू है जवान। ओ रानी रानी ओ मेरी प्रेम कहानी, तेरा मेरा बंधन है 100 जन्मों का।
नजर तुझ पे पड़ी तो वादियां सर झुकाए, तुम सा हसी नहीं देखा सनम। चर्चा तुम्हारा है सारे जहां में, फूलों की रानी हो तुम। ओ, 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 राजा राजा धड़कन में तू समा जा, छलकी छलकी जानम है तेरी जवानी। रानी ओ मेरी प्रेम कहानी, छलकी छलकी जानम है तेरी जवानी। बाहों में आ मुझ में समा, तू है हंसी मैं हूँ जवान। राजा राजा धड़कन में तू समा जा, तेरा मेरा बंधन ये सौ जन्मों का। सब कुछ करने के बाद मुझसे पूछ रही हैं आप? सच पूछी तो उसे गुंडा बनाया आपने। राधा क्यों गलत कहा मैंने? इतनी मेहनत से पढ़ लिखकर पुलिस की नौकरी की आशा करने वाले पृथ्वी के सपने तोड़ डाले आपने। किसी और को नौकरी देने के वास्ते आपने खेल खेल में उसकी जीवन धारा ही बदल दी। यू मारिए मैडम, सच बोलने की सजा थप्पड़ों से दीजिए, मेरी गुस्ताखी के लिए मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन उसको राउडी या गुंडा कहकर गिरफ्तार न कीजिए। मैंने कहा था जेल से भागेगा तो मेरे हाथों तेरी मौत होगी, फिर भी भागा तू, सजा भोगता बिस्की। चलो बेटे। माँ 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 मत बोल, माँ कहके माँ के नाम पे कीचड़ मत उछाल। राधा की बात पर विश्वास न करके यहाँ आई, अपनी आंखों से सब कुछ देकर अब वापस जा रही हूँ। अगर बोझड़ होकर भी दो रोटी कमाता तो मैं खुश होती, लेकिन तू एक बेरहम हत्यारा बन जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम नहीं जानती माँ, कमजोर को हमेशा अपने पैरों तले रोनता है ये समाज, बलवान के पैरों पर झुकता है ये समाज। झुकता होगा तुम्हारे पैरों में पृथ्वी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपने दूर ना हो तुमसे तो अपने आप को पुलिस के सुपुर्द कर दो। नहीं राधा, तूने इसकी बात ना मानी तो तुझे मुझसे भी दूर होना पड़ेगा। चाहे मुझे तुमसे भी क्यों ना दूर होना पड़े, लेकिन जो रास्ता मैंने अपनाया है मैं उसे छोड़ नहीं पाऊंगा। एसपी साहब ने धमकी दी कि हमने अगर ये बयान ना दिया कि मनिंदर ने खून किया है तो वो हमें जेल में भेज देंगी। नो, जरा विश्वास कीजिए योर ऑनर, गवाह बिक चुके हैं, सच्चाई को झुठलाया जा रहा है, ये हत्या की है मनिंदर बबर ने। योर ऑनर, जिस दिन हत्या हुई उस दिन से ललिता नाम की स्टूडेंट का कहीं पता नहीं। शाम तक लैब में वो प्रैक्टिकल्स कर रही थी,
यह उसकी सहेलियों ने बताया। मनिंदर की ललिता का क्लासमेट होने की वजह से और ललिता के लापता होने की वजह से हमें शुबा है या तो वो चश्मदीद गवाह थी या वो भी इसका शिकार हो गई। जब तक ये मामला साफ ना हो इस केस को मुलतवी करने की दरखास्त करती हूँ। कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। नमस्ते बाबू साहब। नमस्ते। मंत्री जी क्या कर रहे हैं? सिर में दर्द है, आराम कर रहे हैं। मुझे उनसे एक जरूरी बात करनी है, उन्हें मेरे आने की खबर दो। जी। इस मौके पर कुछ अर्ज करूँ तो बुरा न मानिएगा। बोल। सिर में दर्द, दिल में दर्द वाले आदमी से मिलने से खुद दर्द मोल लेना। बंद रहा, तू मेरा दर्द बन रहा है। आपको बुला रहे? अच्छा। नमस्कार। क्या बात है, तबीयत कुछ खराब है? नहीं नरेंद्र बब्बर साहब, प्रजा को जरा से भी तकलीफ होती है तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। अब प्रजा पर कौन सी नई मुसीबत आ गई? कल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव रख के इस गवर्नमेंट का पासा पलटा जाएगा। तो आपको इस बात का दुख है? पासा पलटने वाला मैं हूँ। मुझे दुख क्यों होगा? कर रहा हूं तो आपकी राह में भी रोड़ा बन गया। दरअसल आपके पास मैं जानता हूँ, तुम्हारे भाई मणिंदर ने वाइस चांसलर को मार डाला, उसकी पत्नी नागमणि ने यह केस हाथ में लिया है। देखो मिस्टर नरेंद्र बबर, इस केस में अपने भाई को बचाना है तो उस कपटी भास्कर राव के फोड़े हुए 50 MLA को जोर जबरदस्ती या खरीद के मेरी तरफ ले आओ। ऐसा होने पर थोड़े ही दिनों में मैं इस प्रांत का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, फिर इस केस की फाइल को फड़वा दूंगा। ठीक है, आपके माथे पर जो भीगी हुई पट्टी है उसे भास्कर राव के माथे पर डालने के लिए तैयार रहिए, तब तक बाकी इंतजाम मैं करता हूँ। चलता हूँ, गुड लक। अरे ओ गोरख चक्रवर्ती जी, उस भूतपूर्व मंत्री से वादा तो कर बैठे हम, पर अब शहर में एक रावड़ी भी नहीं मिलता। पहले रेशन हुआ मिट्टी के तेल का, फिर रेशन हुआ शक्कर का, अब रेशन हुआ इस सिटी रवड़ियों का। लेकिन क्यों? एक बहादुर सेठ रवड़ी ने मोहल्ले के रवड़ियों को पकड़ के उसने बंद कर दिया है। लेकिन भूतपूर्व मंत्री से जो वादा किया है, आपको अपने भाई के प्राण को बचाने हैं तो फौरन चलकर उस सेठ रवड़ी के पांव पकड़ लीजिए। ये बात है? बस तो चल, फौरन उसके पांव ही पकड़ते हैं। चलिए। ऐसा? ओ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पिताश्री, आपके आनंदित होने का कारण? अरे आइंदा तू मुझे पिताश्री न पुकारना, मुख्यमंत्री पुकारना। सिंगल डे के लिए चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। या पिताश्री, आप मुख्यमंत्री बन जाएं तो अपनी चिपकने की प्रकृति के अनुसार मुख्यमंत्री पद से आपको चिपक के रह जाना चाहिए। ये एक दिवस की आशा क्यों करते हैं? महामूर्ख, मेरा एक रोज पदवी से चिपकना स्टेट से बर्दाश्त नहीं होगा। एक दिवस का मुख्यमंत्री होकर आप क्या करेंगे? कानपुर को बेच लूंगा। यदि दो दिवस रहे तो? अलीगढ़ को खा जाऊंगा। और तीसरे दिवस? सारे राज्य को हड़प। चौथे दिवस क्या करेंगे? बगल के राज्य पे टूट पड़ूंगा। पिताश्री, पिताश्री। पागलों की तरह क्या फुक्का मारता है तू? ये जो मुख्यमंत्री बनने के भूरे भूरे सपने आप रोज देखते हैं, सारे सपनों को दूर दूर कर देगा नरेंद्र बब्बर। कुत्ते को बिस्कुट फेंकने की तरह चार पर में फेंक के मैं उसको झुका लूंगा। हैं पागल पिताश्री, आप जिसको झुका लेना चाहते हैं वो नरेंद्र बब्बर दूसरी योजना बना रहा है। योजना बना रहा है वो? क्या? सेठ रावड़ी को पैसे देकर विधानसभा के 50 सदस्यों का अपहरण करवा के उनको अपनी मुट्ठी में रखने की योजना बनाई है। आप एक दिन की बात छोड़िए पिताश्री, एक पल के लिए भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ऐसा ही काम हम भी करेंगे, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप मैं अर्जुन हूँ, वो धूर्त भास्कर राव दुर्योधन है और आप कृष्ण हैं। हमारे महाभारत में आप मेरे सारथी बन जाइए। पिताश्री, भीतर महाभारत के युद्ध का पूर्ण प्रबंध हो रहा है। उसे पैर मोल मत लो, उसके चरणों में चिपक जाओ। क्या बकता है तू? भीतर महाभारत के युद्ध का प्रबंध बिना हमारे कैसे हो सकता है? अर्थात ये मेरा भ्रम है। मिस्टर भास्कर, लेट हो गए, सेठ रावड़ी को मैंने पकड़ लिया। हाँ स्टेट राउडी जी, स्टेट राउडी जी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कौन है आप लोग? मैं आपकी स्टेट का कम से कम एक दिन का होने वाला चीफ मिनिस्टर हूँ। चीफ मिनिस्टर? हाँ। फिर चीफ बन के मेरे पैर क्यों पकड़ते? छोड़ो। नेतागण प्रयोग करते हैं दोनों कर कमलों का, दाएं हस्त से वो ढूंढते हैं चोटी को, बाएं हस्त से वो खोजते हैं चरणों को। आप यदि नरेंद्र बब्बर का पक्ष लेंगे तो मेरे पिताश्री एक दाना भी मुंह में डाले बिना निराहार व्रत करेंगे।
मगर मैं तो उसे वचन दे चुका हूँ। उसने जो रकम दी उससे दुगनी मैं दूंगा, उसने 1 लाख दिया तो मैं 2 दूंगा, उसने 2 दिए तो मैं 4 लाख दूंगा। मित्रवर्धन प्रस्तुत है। रुपए में तो बड़ी कशिश होती है। ठीक है, आप कुटिल राजनीति का प्रयोग करें, मैं गुंडा राजनीति का प्रयोग करूंगा। वचन देने की वजह से मैं उसके साथ रहूंगा, पैसे लेने की वजह से मेरे राउडी आपके साथ रहेंगे। राउडी रहेंगे? आपने बावरे कुत्तों के समान जिनको मारा वो राउडी है क्या? ओ, तो ये डर है मन में। कल MLA's के होने वाले धर्म युद्ध में बिना हथियार गुंडों से मैं लड़ूंगा, मगर वो गुंडे हथियार लेकर मुझसे लड़ेंगे। यानी आप लाठी तलवार कटार इत्यादि? खाली हाथ सब लोगों से लड़ूंगा मूर्खराज। तब तो ठीक है, मुझे जिताने के लिए आपको उन अपने गुंडों से हार जाना होगा। मैं चलता हूँ, अब प्रस्थान करते हैं हम। कोई है? नहाने का प्रबंध करो। गुरु, इस तरह बदन मलने से गुदगुदी नहीं होती? मुझे तो गुदगुदी बहुत होती है। बकवास मत कर और मल, चल जल्दी कर। अच्छा, क्या कट्टा मर्द हो तो औरत खुद को सुरक्षित समझती है। जल्दी कर, जल्दी। जोर से कैसे, गामा पहलवान जैसा चौड़ा चकला सीना है। ठीक है, आप पीठ पे। अच्छा जी, जरा जल्दी। जल्दी कैसे करूं गुरु, तुम्हारी पीठ तो रेलवे प्लेटफॉर्म है। तुम मुझे ट्रेन समझकर मत चढ़ना। मैं ट्रेन पे क्यों चढ़ूंगी? चढ़ूंगी तो सिर्फ एक ही बार, टोली में चढ़ूंगी। अनजान है हम, प्यार कदम न भरो। मैं दिल भर ना छेड़ो,
प्यार से तो अनजान हैं हम, प्यार कदम न भरो। अब क्या वो बस मुझे सौंप के तुम सब लॉरी लेके वापस जाओ। यहाँ से जाने का काम हमारा नहीं, तुम्हारा है। और तोते की तरह दो ही घंटों में आंखें फेर ली हा? अब सरकार हमारे हाथों में आने वाली है, तुम्हारे दिन खत्म हो गए भाई। हा? भाई क्यों बे, प्लेस बदलने पर तेरा फेस भी बदल गया क्या? गुरु से अब मैं भाई बन गया? देखो आज से तुम हमारे गुरु नहीं हो, हमारे गुरु तो है भावी मंत्री भास्कर राव बेटे। मैं मालूम होता है तुम लोगों की मौत की घड़ी आ पहुंची। मौत तो हम सब लोगों की नहीं, तेरी होगी। शुरू हो जा। ठहरो ठहरो ठहरो, हथियार तुम नहीं पकड़ोगे वादा किया था ना? Thank you.
मिस्टर काली, आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए। गेट डाउन। इस बस में क्या है? देश का भविष्य। क्या कहा? देश का भविष्य। कम ऑन मूव। आप लोग कौन है? हाथ क्यों उठाए? हमारे हाथ है। आई सी। पुलिस थाने जाकर फौरन रिपोर्ट लिखवाइए। जी अच्छा। इंस्पेक्टर जी। अरेस्ट हिम। कम ऑन। पृथ्वी, मैं आपका कहना ना मानने की वजह से जेल में आ पहुंचा, यही बताने आई है ना मुझे? ये बात नहीं, जो तेरी बीवी बनने वाली थी वो किसी और की होने वाली है, ये बताना है मुझे। यानी? यानी मेरी शादी तय हो गई है। क्यों मजाक करती हो? ये देखो निमंत्रण पत्र। इसे फाड़ देने से क्या ब्याह रुक जाएगा? इस शरीर में प्राण होते हुए किस माई के लाल की हिम्मत है जो तुमसे ब्याह कर सके? जब तक शादी की रस्में खत्म न होंगी मैं गेट पर रहूंगी। पुलिस अगर गेट पर होती तो सोचना पड़ता, तुम्हारे मौजूद होते हुए मुझे क्या परवाह। पुरोहितों के मुंह से फेरों वाले मंत्र निकलते ही तुम्हारे मन में पुत्र प्रेम का यंत्र तूफान की रफ्तार से चलेगा। तब मेरे हाथ में सिंदूर देके कहोगी, राधा की मांग भरो पृथ्वी बेटे। अपनी स्वर्गीय सहेली की बेटी राधा का ब्याह एक अपराधी से नहीं होने दूंगी। लेकिन जब तुम्हें मेरे इस परिवर्तन का कारण मालूम होगा माँ, तो बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना तो मुझे तब पड़ेगा जब राधा का ब्याह तुझसे होगा। बेटी चल। निर्मला जी। मालकिन, फूल वाली आशा को बुलाया था, अभी तक आई नहीं वो। जी वो देखो मैं आ गई। मां जी, मां जी इतनी बड़ी माला क्यों मंगवाई है? भगवान की पूजा के लिए या किसी बड़े आदमी के स्वागत के लिए? मुझे बोलने भी देगी? बोले ना माँ। ये हार मुझे अपने पति के फोटो को पहनाना है। कहाँ है माँ उनका फोटो? वो देखो। आशा, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? बाबूजी का फूलों के बाग के पास खोला तो मैंने देखा था माँ। आशा, ये तुम क्या कह रही हो? सच माँ जी, मैंने अगर पुलिस को खबर दी तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, मेरी बेबा ने समझाया। अगर मैं मारी जाती तो वो एकदम बेसहारा हो जाएगी, ये सोचकर मैं अनजान बन गई। लेकिन उन्होंने आप जैसी देवी की मां का सिंदूर पहुंचा है, ये जानकर चाहे मेरे प्राण चले जाएं, मैं गवाही दूंगी। उस आदमी को तुम पहचान लोगी? जरूर पहचानूंगी माँ। वो है क्या? नहीं माँ। वो है? खामोश रहो। सुनो, कोर्ट में गवाही देने तक तुम पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। अब चलो बेटी। मामा, मुझे एक ब्याह में फूल पहुंचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, फूल देकर तुम फौरन वापस आ जाना। अच्छा, होशियार रहना। ना मालकिन। क्यों? अरे आज आपकी शादी है, आपको खुश होना चाहिए, उदास क्यों बैठी है? मुझे तुम ठुकरा के ब्याह करने जा रही हो, वो मंत्र पढ़ने वाला पुरोहित कहां है? कहां है तुझे आशीष देने वाले वो सब के सब बाराती? कहां छुपा है तेरे गले में मंगल सूत्र बांधने वाला वो मर्द का बच्चा? खड़ा
चेहरा तो है मेरे सामने। हाँ पृथ्वी, इससे ब्याह करने वाला दूल्हा तू ही है। अपनी मंगेतर की शादी की खबर सुनते ही जेल की सलाखों को तोड़कर तुम आओगे, इसका मुझे पूरा विश्वास था पृथ्वी। बदला नहीं बेटा तू। अब आप मंडप में बैठ के मेरी बहन की मांग भरिए। हाँ पृथ्वी, तुमने बिना पढ़े जिस निमंत्रण पत्र को फाड़ा उसमें तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ है। अब देखते क्या हो, जाओ मंडप में बैठो। माफ करो माँ, मुझे बहुत सारे दुश्मनों से हिसाब चुकाना बाकी है। इस वक्त तो मंडप में ना बैठ पाऊंगा, मेरी शादी से बढ़कर लोक कल्याण जरूरी है। बिल्कुल झूठ, ब्याह ना करने का बहाना है ये। तुम्हें तुम्हारी नाउम्मीदी ने पागल बना दिया है। खुद को, दूसरों को, अपनों को सताने से क्या हासिल होगा तुमको? बोलो पृथ्वी, इस मंडप में आकर मुझसे ब्याह करते हो या फिर मैं इसी मंडप में अपने प्राण दे दूं? दादा, आवेश में ना। अब मैं जिन मुश्किलों में हूँ। तो कौन सी मुश्किल है जिनकी वजह से तू अपनी माँ की बात ठुकराने पर मजबूर हो गया है? तुम अपनी प्रेमिका से इसलिए क्यों बदल गए हो मुझे भी तो मालूम हो। माँ, मैं ना राउडी हूँ और ना ही गुंडा, पुलिस का मुखबिर हूँ। राधा ने एक दिन मुझे नौकरी मिल जाने की खबर दी थी, तुम्हें वो दिन याद है ना माँ? खुशी के मारे अपॉइंटमेंट लेटर मिले बिना पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आईजी ऑफिस जा पहुंचा। बड़ी खुशी और उत्साह से लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रहा था। लिस्ट में मुझे मेरा नाम नहीं मिला। लिस्ट बार बार पढ़ी पर निराशा ही हुई। थोड़ी दूर पर राधा खड़ी थी। मैंने उसके पास जाके पूछा, क्या मजाक उड़ाने के लिए मेरा नाम लिस्ट में नहीं टाइप किया? राधा ने बताया, एसपी नागमणि ने लिस्ट से मेरा नाम कटवा दिया। उससे से मैं आग बबूला हो गया। सोचा उससे कम से कम इतना तो पूछ लो कि इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर मेरा नाम क्यों काटा, यह अन्याय क्यों किया, मुझमें क्या कमी थी जो मेरे सिलेक्शन को रद्द कर दिया। इन सवालों के जवाब पाने के लिए मैं उसके पास जा पहुंचा। बताइए, आपने किससे घूस लेके ये नाइंसाफी की? किसके दबाव में आकर मुझे मिलने वाली नौकरी छीन ली? मिस्टर पृथ्वीराज, ये डिपार्टमेंटल मामला है, तुम्हें नहीं बता सकते। इस तरह मत टालिए मैडम, अपनी आत्मा को मार के बात तक कीजिए। ऐसा क्यों कहते हो, क्या जानते हो मेरे बारे में? आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, ये फाइल देखने पर समझ जाएंगे। 1968 में आप एसआई चुनी गई, 1975 में इंस्पेक्टर बनी और उसके बाद दो साल में डीएसपी की पोस्ट पर मुकर्रर हुई। 1980 में एडिशनल एसपी और 1983 में एसपी की पोस्ट पर आपकी नियुक्ति हुई। ये जनरल नॉलेज नहीं मैडम, एक छोटे से ओहदे से चोटी की पोस्ट पे पहुंचने वाली आप जैसी पुलिस अफसर मैंने तो नहीं देखी। आप में मैंने द्रोणाचार्य को देखा, एक लव्य की तरह आराधना की। एक न एक दिन आपके जैसा पुलिस अफसर बनने के मैंने सपने देखे। इस तरह मुझको बेकारों की तरह भटकने का बिल्कुल भी गम नहीं। आप पर मुझे फख्र था और आप ही मौका परस्त निकली, इसका मुझे बहुत अफसोस है। इसको रखिए, आपके जीवन चरित्र बताने वाले इन कागजों से आप मेरा कोई वास्ता नहीं। ये सोच के कि जोश में लाई हुई ये खाकी यूनिफॉर्म कहीं हंसी ना उड़ाए मेरी, मैं आपके विभाग को इसे भेंट करता हूं। गुड बाय। निराश होकर मैं अगर कभी राउडी, चोर या खूनी बन जाऊं तो इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। तुम्हें इन बातों का जवाब चाहिए, मेरे साथ आओ। पृथ्वी, इंटरव्यू के रोज ही तुम्हारी सच्चाई और जोश को देख के तुम ही मेरा बदला चुकाने के लिए सबसे सही आदमी हो, मैंने सोच लिया। बदला? हाँ, वाइस चांसलर श्री मुकुंद राव जी के कत्ल के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। वे मुकुंद राव जी मेरे पति थे। कातिल को मैंने पकड़ लिया और चश्मदीद गवाह भी मिल गए, लेकिन रुपयों का जोर और अनुचित प्रभाव गवाहों को तोड़ फोड़ रहे हैं। मुझ में द्रोणाचार्य का रूप देख के
तुमने भूल नहीं की। मैंने एकलव्य के बारे में सोचा ही नहीं, केवल तुम्हें मैंने अर्जुन देखा। दिल ने कहा मेरे उपदेश को सफल बनाने की शक्ति सिर्फ तुम में है। ये सच है कि इंटरव्यू में तुम चुन लिए गए थे, लेकिन इस केस में तुम्हें पुलिस के मुखबिर के रूप में रख के केस के सबूत इकट्ठे करने के लिए मैंने ही तुम्हारा नाम कटवाया था। मैडम, गवाहों को डरा धमका के और पैसों के बल पर तोड़ने वालों को मैं ठीक करूंगा। आपके मासूम पति के खूनी का जुर्म साबित करने के लिए सारे पक्के सबूत कोर्ट में मैं पेश करूंगा और आपकी मांग का सिंदूर मिटाने वाले को फांसी पर चढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं खुश हुई पृथ्वी, लेकिन इस नरेंद्र बब्बर की चालों के आगे पुलिस नाकाम हो रही है। रवि जहां नहीं पहुंच सकता वहां कवि पहुंच जाता है, पुलिस जहां नहीं पहुंच सकती वहां राउडी या गुंडा पहुंच जाता है। मैं अपनी बुद्धि और ताकत से एक बहुत बड़ा राउडी बनके सच्चाई का पता लगाकर सारे मुजरिमों को आपके पैरों में डाल दूंगा। इस तरह नौकरी पर लग गया और प्लान के मुताबिक अपराधियों का दोस्त बनके एमएलएस को किडनैप करके पब्लिक की चहेती सरकार को गिराने की उनकी कोशिश नाकाम कर दी। सॉरी पृथ्वी, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हुए भी मैं तुमको नहीं समझ पाई। रोज जासूसी नॉवल पढ़ पढ़ के छोटी मोटी जासूस तो बन गई, पर मैं पुलिस का आदमी पहचान ना पाई। जिस दिन काम पूरा होगा उसी दिन तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांध लूंगा। क्या और कोई गवाह मिला? यस सर, आत्माभिमान को ना बेचने वाली गवाह मिली। वेरी गुड, गवाह को पूरे बंदोबस्त के साथ कोर्ट में ले जाइए। इस वक्त वो गवाह कहाँ है? इस वक्त वो एक ब्याह में फूल देने के लिए गई है, आते ही उसे अपनी निगरानी में रखूंगी। बाबूजी गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या बात है, मामला क्या है? ये आत्महत्या करने के लिए पानी में कूद पड़ी। गाड़ी से अस्पताल पहुंचा तो बाबू? नामुमकिन, वक्त नहीं है, मैं नहीं ले जाऊंगा। इस बेचारे की जान पे आ बनी है, इनकार न करो, लाकर गाड़ी में लेटा दो। उठा भाई। ये सब क्या है, जानबूझ के रोग गले लगा लिया, आत्महत्या करने वाली इस लड़की को कार में चढ़ा लिया। क्यों चढ़ाया, आप जरा पीछे मुड़ के देखेंगे तो पता चलेगा। बढ़िया पटाखा है, आपके लिए तीसरी बीवी ढूंढ दी। बब्बर साहब, काली पुलिस स्टेशन से कैसे भाग आए? आपने भी क्या बच्चों वाली बात पूछी, पुलिस थाना तो हमारी ससुराल है ना, जैसे जमाई को विदा करते हैं वैसे ही जमानत लेके छोड़ दिया मुझे भी, लेकिन मुझे सारे के सारे एमएलए के हमारे चंगुल से बच जाने का बड़ा ही दुख है। उसका तो मुझे भी दुख है, लेकिन एक और मुसीबत आ पड़ी है। अरे बापे, वो क्या? मेरे भाई को मर्डर करते हुए देखने वालों में से एक गवाह एसपी साहिबा के हाथ लग गया है। अगर उस गवाह ने कोर्ट में अपना मुंह खोल दिया तो मेरे भाई का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इस झंझट से हमारे बचने का तो सिर्फ एक ही उपाय है। क्या उपाय है बताइए, मैं आपका काम पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। सुनो, जब मेरे भाई को कल पुलिस कोर्ट में लाए तो उसके पुलिस वैन से उतर कर कोर्ट में जाने से पहले तुम उसे गायब कर दो। गायब कर दूंगा, हाँ, सदा के लिए गायब कर दूंगा। अरे काली, मेरा मतलब है उसे पुलिस के पंजों से गायब कर दो। चलता हूं। थैंक्स। व्हाट्स दिस, एक क्रिमिनल को कोर्ट में पेश करने के लिए इतने पुलिस वाले? सर, उसे कोर्ट के पास अगवा किया जाएगा, हमें यह खबर मिली है, इसलिए थोड़ी पुलिस एएसपी के साथ कोर्ट के नजदीक, बाकी फोर्स बंबई रूट के 7वें किलोमीटर पर मेरे साथ होगी। आई सी, किसने ये इन्फॉर्मेशन दी है तुम्हें? स्टेट राउडी के नाम से मशहूर हमारे एजेंट कालीचरण उर्फ पृथ्वीराज ने। ध्यान रखना, जान माल का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हेलो, मैं डीआईजी बोल रहा हूँ। आप जिसे राउडी समझते हैं वो कालीचरण पुलिस का मुखबिर है, उसका असली नाम है पृथ्वीराज। क्या बोले, कालीचरण पुलिस का मुखबिर है? हाँ,
मणिंद्र को किडनैप करने का आपका प्लान वो एसपी नागमणि को बता चुका है। अब वो बंबई रोड के 7वें किलोमीटर पर है। हमारी ही बिल्ली हमेशा म्याऊं म्याऊं करे, ये हम कभी नहीं होने देंगे। अभी दिखाता हूँ अपना कमाल। पकड़ो पकड़ो, हमारी होने वाली तीसरी बीवी बाकी जा रही है। कार उस तरफ मोड़ो। उस तरफ चेक पोस्ट है। उस तरफ चेक पोस्ट है तो इस तरफ पुलिस मौजूद है। पुलिस मौजूद है? मुझे इतना बुद्धू ना समझो। ना आप बुद्धू हैं ना मैं चालाक। मैं इशारा समझा नहीं, साफ साफ बताइए। बताने को अब बचा ही क्या है काली उर्फ पृथ्वीराज। तू 2 पात्रों का अभिनय कर सकता है तो मैं 100 पात्रों का। मेरे सारे राज जानने के लिए एसपी नागमणि ने तुझे पुलिस इन्फॉर्मर के तौर पर तैनात करके भेजा है, ये मालूम है मुझे। मालूम हो गया ना? ठीक है मैं चलता हूँ। रुक जा, तू पिस्तौल या बंदूक से नहीं डरता ये भी मालूम है। उधर देख। महाभारत में भीष्म को मारने के लिए अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखा था, मैं शिखंडी को सामने रख के तुझे मारूंगा। तय किए प्लान के मुताबिक पृथ्वीराज अभी तक नहीं पहुंचा। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, मैं जाके देखती हूँ, तुम यहीं रहो। ओके मैडम। ड्राइवर you
यहाँ मारने के लिए नहीं बल्कि समझाने बुझाने के लिए लाए हैं। तुम अगर मेरे भाई को कोर्ट में गवाही देकर निर्दोष साबित कर दो तो तुम्हें लाखों रुपए दूंगा। तुम्हारा रुपया चाहिए किसको? तुम्हारे भाई को नागमणि देवी के पति का खून करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है और यही बयान मैं कोर्ट में दूंगी। दद्दा, ये ओल्ड स्टाइल से नहीं मानेगी, मैं मॉडर्न स्टाइल से इसे मनाता हूँ। आप जाइए। ओके। तुझे उंगली के नाखून से मार सकता हूँ लेकिन ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तेरे मरने से वो केस मेरे सर पे आ जाएगा, इसलिए तेरा मान भंग करूंगा। मान भंग करके तेरे साथ अन्याय नहीं करूंगा, ब्याह करूंगा तुझसे। तब तुझे मजबूरन मेरा साथ निभाना पड़ेगा। मेरा पहनावा मंगलसूत्र तेरे गले में होगा। मैं तेरा पति हूं ये हकीकत रात दिन तुझे कचोटेगी, तब मेरे निर्दोष होने की तुझे गवाही देनी पड़ेगी। मदाना, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। मदाना, मेरे भाई, अरे पकड़ो उसे। पकड़ लो इनको। आशा बेटी, क्या हुआ बता बेटी। आशा, नरेंद्र बब्बर के पिट्ठू का है। हाँ हाँ बता। आशा, क्या हुआ? क्या हुआ बोलना। चोरी राक्षसी, वहाँ मेरे भाई को बेदर्दी से मारकर अनजान की तरह यहाँ आदम की तू क्या बक रहा? तू वहाँ क्या हुआ है खुद अपनी आंखों से देख लो। आओ चलो। वो देखिए मैडम, कितना खौफनाक नजारा है। सोचिए मत, इसे अक्कड़ ही पहनाइए। मैडम, कोर्ट में जिसे गवाह के रूप में पेश करने वाली थी आप, वही गवाह मुजरिम बन गया। इंटरव्यू वाले रोज ही तुम्हें चुन लिया गया था एसआई की पोस्ट के लिए, लेकिन वो पोस्ट पाए बिना तुम समाज को लूटने वाले सफेद पोशों को सबूत के साथ पकड़वाने के काबिल हो, इन एसपी साहब ने यह राय पेश की थी, इसी कारण तुम्हें मुखबिर बनाया गया। लेकिन उन बदमाशों को पता चल गया है कि तुम हमारे आदमी हो, इसलिए अब तुम्हें छुपने छुपाने की कोई जरूरत नहीं। वी आर अपॉइंटिंग यू एज सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। थैंक यू सर। पृथ्वीराज, उस वक्त हमारे डिपार्टमेंट को तुम्हारी भेंट की हुई यूनिफॉर्म हमने संभाल के रखी, ये लो। आवेश में छोड़ी हुई इस यूनिफॉर्म को अब आदर्श के लिए ले रहा हूं। कानून को चकमा देने वाले शैतानों को अब ढूंढ ढूंढ के जेल में भर दूंगा। यस मिस्टर पृथ्वीराज, बेस्ट ऑफ लक। सॉरी सर। It's all right. Hands up. कौन है तुम? चलो बात, अगर हिली तो गोली मार दूंगा। गोली? Yes. पृथ्वी, आंटी। क्या हुआ बेटे? कौन है तुम? आंटी, इंस्पेक्टर पृथ्वी है। माँ, इतने रोज तक जो नौकरी मुझसे दूर भागती रही, वही नौकरी मुझे ढूंढती हुई आ गई। माँ, जॉब ओके, पर तुम्हारा दिमाग भी ओके है, वो तो हमको जाना जरूरी है ना, इसलिए शुरू होने वाली है कहानी। बाप रे बाप, मैं तो भागा। ये मामूली कहानी नहीं, बड़ी बेढब स्टोरी है। वेरी क्रूअल।
एक फॉरेस्ट में कॉन्ट्रैक्टर और अफसर में झगड़ा हो गया। तेरी जान ले लूंगा, तेरा खून कर दूंगा। दोनों ने एक दूसरे को धमकी दी। अगली सुबह कॉन्ट्रैक्टर का मर्डर हो गया। मुंह बिल्कुल पिच्चा था, पहचानना भी मुश्किल था। अफसर को प्रोसिक्यूट किया गया, उम्र कैद की सजा मिलने वाली थी उसे। लेकिन जजमेंट के दिन तो कोर्ट में मामला पलट गया। कैसे? कैसे यानी? जो लाश मिली थी वो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर की नहीं थी, किसी और को मारकर उसका मुंह पिच्चा, मतलब मरा हुआ वो आदमी। वो मनिंद्र की लाश पोस्टमार्टम पूरा होते ही लाश उसके भाई को सौंप दी। गॉड, अगर मनिंद्र को सजा मिलती तो कम से कम जेल में तो उससे मिल पाते। इस तरह बेचारा आग में जल के राख बन रहा है। ये सजा तुम्हें है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्यों बहाते हो झूठे आंसू? पुलिस अफसर बन गया? गुंडों का सरदार होना अगर गुनाह नहीं तो पुलिस वाला बनना भी जुर्म नहीं। गुंडों का सरदार बन के भी कुछ न कर पाया तू तो फिर पुलिस अफसर बन के क्या बिगाड़ पाएगा? दो चार खाकी वर्दी वालों को मुट्ठी में करके अब तक मनमानी करते रहे तुम लोग। अब वही पुलिस की खाकी वर्दी पहन के मैं आ गया दिगनी का नाच नचा के मिटाने के लिए। राख बन चुकी अब तो मेरे भाई की लाश, अब तू क्या करेगा? तेरी लाश वाली पहेली को सुलझाऊंगा। अपने जिंदा भाई को मरा बोलने वाले तेरे नाटक का पर्दा उठाऊंगा मैं। How is he? He is all right. Don't worry. Manindra. जोश में मत आओ। तुझे इस हाल में पहुंचाने वाली आशा जेल में है। और वो काली? काली नहीं, पृथ्वीराज। अब वो ऐसा ही है। तू अभी जिंदा है इस बात का शुबा है उसे। ये शुबा मजबूत होने के पहले वो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम पूरी तरह रेस्ट करो। जब तक कोर्ट से आशा को सजा ना मिल जाए तब तक तुम बाहर ना निकलो। ओके, बट किसी भी तरह आशा बचने न पाए। बेटी आशा, बेटी बेटी दिव्या। ए, बैठो बैठो चलो। बेटी, ओ मेरी बेटी, मेरी बेटी को बचने जाओ, मेरी बेटी को बचने जाओ। भैया, मेरी बेटी को कहाँ ले जा रही है? हत्या करने के जुर्म में जेल ले जा रहे हैं। मेरी बेटी हत्या नहीं कर सकती। बाबू, इस बच्चे बाबू, इस बच्चे बाबू, इस बच्चे तुलसी भाई, हाय राम, तेरी आशा। बाप रे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती, छोड़ दे मुझे बेटा, छोड़ दे, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, छोड़ दे। और हाय राम, वो आ रही है, मुझे जान से मार डालेगी बेटा, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। तुलसी भाई, क्या क्या तुमने मेरी बेटी का बोल, क्या क्या तुमने उसका बताती हूँ। ये तुमने क्या बोला पिपा? एसपी साहिबा, मेरी माँ। हाँ बेटी, मैं इन माजी के घर में बर्तन माजा करती थी। मेरे बेटे को कत्ल के जुर्म में इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था बेटी। मेरा इकलौता बेटा था, वो गुस्से में आकर खून कर बैठा। अगर मेरा बेटा मर गया तो मैं भी नहीं बचूंगी। अपने बेटे को माफ करने की मैंने बार बार प्रार्थना की, लेकिन इन्हें कोई दया नहीं आई।
मेरे बेटे को फांसी हो गई। एक औलाद के खो जाने के दुख का एहसास दिलाने के लिए इनसे मैंने तुझे छीन लिया और बिब्बा बनके तुझे पाला भी थी। कुछ दिन बाद तुझे लौटाने का सोचा मैंने, लेकिन ये जेल में न डाल दे मुझे इस भय से, लौटाने की हिम्मत न हो सकी। तो मैं सड़क पर नहीं मिली थी, तुमने मुझे भुलावे में रखा। हाँ बेटी, तेरी मां मैं ही हूं, जिनका खून होते हुए तूने देखा वो मेरे पति थे, तेरे डैडी। जब तू दूर हो गई मुझसे, मां शब्द सुनने के लिए मैं तरस गई। पुकार बेटी, एक बार मां कह के पुकार। नहीं मां, इतने दिनों तक एक फूल वाली ने हत्या की है ये बोलते हैं सब। अगर मैंने आपको मां कह के पुकारा तो एसपी की बेटी हत्यारी ने ये कह के ताने मारेंगे। नहीं, एक फूल वाली की उस तुलसी बाई की बेटी के रूप में ही मर जाने दो मुझे। आशा, तुम हत्यारे नहीं हो। ऐसा बोल के तुम मुझे मत बहलाओ। मेरी बात मानो, वो मनिंद्रा भी जिंदा है, मरने का उसने नाटक किया। जल्द ये सच्चाई साबित करूंगा, इंसाफ की हिफाजत करने वाली अपनी इस खाकी वर्दी की मैं कसम खाता हूँ। लेकिन आशा, एक बात का तुम मुझे जवाब दो, अदालत में गवाही देने आने वाली थी तुम तो, नरेंद्र बब्बर के चंगुल में कैसे जा फंसी? बोलो आशा। उसका छोटा भाई कामेंद्र बब्बर मुझे बेहोश पाकर उठा लेके अपनी कार में। श्रीमान कामेंद्र बब्बर हमारी नृत्य शाला में पधार के क्यों नर्तन कर रहे हैं? मेरी दोनों पत्नियों के पैर भारी हो गए हैं। भारी पैरों से वो डांस तो नहीं कर सकती ना, मुझे डांस बेहद पसंद है ये तुम जानते हो ना, इसलिए मैं नाचने आ गया। क्या बात है पुलिस की भाई? तुम भयभीत मत हो, मैं यहां हूं ना, मैं देख लूंगा। किसकी अनुमति से तुमने अंदर प्रवेश किया? शासन की आज्ञा अनुसार अपराधियों को पकड़ने हेतु यहां प्रवेश किया। परिहास कर रहे हो मेरा? तुम जैसे बेशर्मों का मजाक उड़ाने नहीं आया हूं मैं मंत्री, तुम लोगों की काले कारना में बंद करने आया हूं। फौरन सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। कमान भाई, सेठ राउटी से तो हमारा बाजा बजाया था, अब खाकी वर्दी पहन के हमारा बैंड बजाओगे? समस्त राउडी एक पंक्ति में खड़े हो जाए। कमान कमान, तुम किधर चले? मैं राउडी नहीं हूँ, घर वापस जा रहा हूँ। आशा नाम की लड़की को अगवा करने के जुर्म में तुझे और बिना परमिशन क्लब चलाने के जुर्म में तुझे भी गिरफ्तार करता हूँ। चला कमान मूव, ये सब तेरी वजह से हुआ। नहीं, तेरे कारण हुआ। हवालात में तो ठीक है, घर में भी घुस के मारती है पुलिस। कानून से खिलवाड़ करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। मेहरबान हो के जिसे आपने नौकरी दी वो इंस्पेक्टर का बच्चा। इंस्पेक्टर का बच्चा नहीं, बेहतरीन इंस्पेक्टर। चलो माना बेहतरीन, पर मेरे भाई को अरेस्ट करके ज्यादती की। आपका भाई तो मर गया ना? वो नहीं, मंझला भाई। ओ, मंझला भाई भी आवारा ही है। मेरी हंसी मत उड़ाइए हत्यारन की माता जी। नरेंद्र बब्बर, एक मासूम लड़की को हत्यारन ठहराने के तुम्हारे झूठे नाटक को मैं अब तक चुपचाप देखती रही, लेकिन अब उसकी माँ होने के नाते मैं तुम्हारा काल हूँ। अगर देश में आके कुछ उल्टा सीधा किया तो मुझे मिनिस्टर तक जाना होगा। जाना है तो जाओ, अपने कामेंद्र का भला चाहते हो तो पृथ्वी के आगे सच्चाई कबूल करनी होगी। गेट आउट। ओके। Okay.
हे हे भगवान, तुम जिंदा हो ना राधा? जिंदा रहना तुम्हारे हाथ में है। यानी मैं अब जो कहानी सुनाने वाली हूं तुम्हें, तुम उसका अंत मुझे बताओगे तो मुझे चैन मिलेगा। सुनाओ मैं कहानी। सुना ही दो। एक एसपी के लड़की ने किसी आदमी को चाकू फोड़ दिया, पर उस आदमी की मौत आग में झुलस के हो गई। चाकू भोंकने की वजह से ही वह आदमी मरा, पोस्टमार्टम का यह फैसला है। लेकिन थोड़े दिनों पहले आए नए एसआई ने दलील पेश की कि वो लड़की निर्दोष है। सबूत पेश करके रिहा करने का चैलेंज भी दिया। वो एसआई जीतेगा या मात खाएगा? एसआई की जीत होगी। सुनो राधा, रहने दो, मुझे चक्कर ना दो। उस हत्यारे में एसआई की दिलचस्पी का अर्थ है कि एसआई का उसमें कोई निजी स्वार्थ है, और वो स्वार्थ है एसपी की बेटी को बचाकर उससे ब्याह करके प्रमोशन पाने का। मुजरिमों पर उठने वाला ये हाथ तुम पर उठ गया। आई एम सॉरी। आज तक जितनी कहानियों का तुमने मुझसे पूछा गलत बताया मैंने कभी? जो बताया गलत है। गलत तुम्हारा दिमाग है, मेरी बात नहीं। उसूलों पर चल कर कर्तव्य निभाने वाले अपने पृथ्वी को तुम स्वार्थी समझ बैठी हो। सिफारशी प्रमोशन पाने और दौलत का मोह नहीं है इस पृथ्वी को। मैं प्रमोशन अगर पाऊंगा तो अपनी मेहनत से ये जा सकता हूँ। मत रो बेटी, छुटपन से तुम पृथ्वी की मन की भावनाओं को जानती हो ना। मन छोटा मत करो, तुम्हारा ब्याह 4 रोज के अंदर करवा दूंगी। 4 रोज में ब्याह? सचमुच? हाँ रे, 4 रोज में ब्याह। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। Thank you.
फूल सी कमल और लचका समय मिले फिर मिले ना मिले ना फूल सी कमल और लचका समय मिले फिर मिले ना मिले ना का जिम्मेदार तू है। अबे रो क्यों रहा है? मैं नहीं, विपत्तियों का कारण केवल तू है, इसलिए रो रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। क्या कर रही होंगी मेरी वो चहल कांस्टेबल? जी सर। कितनी होगी? ओपन दिस। तू हो? मैं समझा भैया है। पंथुवर हमें मुक्त करने हेतु पिताश्री नहीं आए? अरे भाई तुम मुझे मारोगे क्या? तुझे शक है क्या? यह अन्याय है। उधम मचाने वालों को सिर्फ जुर्माना भरवा के छोड़ दिया जाता है, लठमार पूजा नहीं की जाती। मैं राउडी पुलिस हूँ, बदन का बहुत मजबूत और दिमाग का बेहद गर्म। अबे ओ मंत्री, तू कहाँ तक पढ़ा है? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? शुद्ध हिंदी से उर्दू तक। अपने शिष्यों को गुरु पहली सीख क्या देता है बता देगा तो छोड़ दूंगा। तो मत बता, कभी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। बता दिया, छोड़ दो। छोड़ तो दूंगा, मेरे पूछे गए सवालों का अगर ठीक ठीक जवाब दोगे तो मैं छोड़ दूंगा। सच बोलूंगा सर। आशा नाम की लड़की को क्यों अगवा किया? बोल दो, मुक्ति पा जाओगे। अरे तू चुप रहो। अबे ओए मंत्री, इस केस से अपने को बचाना चाहते हो ना? अवश्य। आशा को किडनैप करने का कारण जब तक नहीं बताए तब तक ये डंडा पकड़ के इसके बदन का मार मार के भुर्ता बना दूं।
ये अधिकार मुझको है क्या? हाँ, अपने को एसआई समझो, ये थाना अपना ही समझो। कम ऑन। अरे नहीं, तू भी मारेगा क्या? तू मुझे मारेगा? सुपा है यार बंधु, तू मेरे दोस्त नहीं। अब मैं इंस्पेक्टर इमरान खां हूँ। खा मार। अब बोलो, बताओ आशा का क्यों उड़ाया? आशा का क्यों उड़ाया? अरे भाई बोल, मारता है, बोल बोल, बोलता है, कर जा यार, बोल बोल, मर गया, अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप, अरे मेरे बाप, क्यों उड़ाया? अरे मेरे बाप, अरे बाप, क्यों उड़ाया? बताओ, अरे बताओ, अरे बोल, अरे कोई बात नहीं, बोल बोल रहे नहीं, बोल मेरे कोई बात नहीं, अरे बाप, न मारो, न मारो, और मत मारो, मत मारो। रोड पे पड़ी हुई आशा को देखा मैंने। मैं उसे अपनी तीसरी पत्नी बनाने की मंशा से उठा लाया। मेरे भाई के केस की चश्मदीद गवाह आशा को पाकर मेरे बड़े भाई ने उसे बंदी बना लिया 10 साल। क्यों रक्षण अधिकारी, देखी मेरी प्रतिभा? जो आप ना कर सके वो काम मैंने कर दिखाया। खूब रुलाऊंगा तुझे इंस्पेक्टर साहब। वाइस चांसलर की हत्या में मेरे भाई की मदद इस कमबख्त ने भी की। पहले क्यों नहीं बताया? ये डंडा पकड़ो और शुरू हो जाओ। अपने को एसआई समझो, ये थाना अपना ही समझो। जाओ इसे मार मार के इससे सच उगलवाओ। छोड़ो, मत मारो, छोड़ दो। इंस्पेक्टर इमरान खान, मैं हूँ अंजद। बताओ कौन से तेरा क्या ताल्लुक है? बताओ, बताओ, बताएगा? और मारे, और मारेंगे। बड़ा, बड़ा, हैं? पीटने वाला था। ये वस्त्र ये ला रहे तेरे वस्त्र को क्या मैं तेरी चमड़ी भी उतार लूँगा? हैं? हैं? ये ले। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। सच बता दूँगा। उस दिन इसका छोटा भाई मनेंद्र वाइस चांसलर के साथ ललिता को भी मार के भाग गया। उसी के आज्ञा के अनुसार मैंने ललिता की लाश को पृथ्वी में गाड़ दिया। इस काम के अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं किया। अकारण मुझे क्यों बिठा रहे हो? कांस्टेबल, उन दोनों को बाहर लाओ। इंस्पेक्टर, तुम्हारी ये हिम्मत के नरेंद्र बब्बर के भाई को हिरासत में लो? ग्रेट भावी मंत्री भास्कर राव के बेटे को गिरफ्तार करने की हिम्मत किसमें है? और किसी में हो या ना हो, लेकिन मुझ में है मिस्टर। ये क्या हालत बना दी तेरी है? मेरे बेटे को इतना मारा कि मुंह का नक्शा ही बदल गया इसका। भविष्य में एक ही दिन का भी चीफ मिनिस्टर जब बनूंगा तब तुझे। बकवास मत कर, मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो। ए मंत्री, मैंने मारा तुझे? नहीं पिताश्री, इसी ने अति निर्दयता से मुझे मारा। मुझे मारे तो क्या, मैं चुप बैठूंगा? मैंने भी मारा। इंस्पेक्टर, ये तुम्हारी ही खेली हुई राजनीति है। नो, ये राजनीति नहीं, ये तो राउडी नीति है। कांस्टेबल, इन्हें ले आओ। इंस्पेक्टर, कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? ललिता की लाश जहाँ पर दफन है वहाँ। वहाँ जाने के बाद उस नजारे को देखते ही तुम सबके मुंह पर मुर्दनी छा जाएगी। चलो वहाँ। बंद करो ऐसा। साहब, यहाँ आप नहीं खोल सकते। ये बोलने वाला तू कौन होता है? ये जगह मेरी है और मेरे नाना की लाश यहाँ पर दफन है। अगर खोदने पर तेरे नाना की लाश के बजाय किसी और का मुर्दा हमें मिला तो इसी गड्ढे में मैं तुम्हें दफना दूंगा। तू अपने पुराने दिन भूल गया लफंगे? चलो खोदो। खुदाई न बंद होने पर खंती चलेगी, जमीन पे नहीं पुलिस की छाती पे। तुम लोग अगर झगड़ा करोगे तो अंजाम क्या होगा जानते हो? लाठी चार्ज करोगे? करो करो, इस काम के लिए लाठियों की क्या जरूरत है? ये छोटा सा डंडा तुम सबकी गर्मी उतारने के लिए काफी है। ए, 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 ए,
मिस्टर पृथ्वीराज, व्हाट इज दिस? सर, ललिता की लाश यहीं पर दफन मंत्री ने बयान दिया है, उसी के आधार पर एसपी साहिबा की परमिशन से लाश को बाहर निकाल रहे हैं। इसने बयान कैसे दिया वो तो उसकी सूरत देखने से मालूम होता है, फिर ऊपर से इनकी जमीन भी खुदवा रहे हो। स्टॉप द वर्क एंड डिस्पर्स। सॉरी सर, चाहे नौकरी खोनी पड़े या अपने प्राण ही देने पड़े तो भी लाश बाहर निकलवाऊंगा। महीनों पहले दफन की लाश को बाहर निकालने पर कोई पहचान पाएगा? हम पहचानेंगे। उस रोज ललिता जो साड़ी पहनकर आई थी हमें याद है। ललिता की माला हम पहचान लेंगे। स्टूडेंट के ऊपर हुआ अत्याचार के खिलाफ हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। पाँच महीने पहले इसकी नाना की लाश को यहीं पर दफनाया गया था, मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद था। अब लाश को बाहर निकालने से इनके सेंटीमेंट्स को बेहद चोट पहुँचेगी। खोदने के बाद जमीन से उसके नाना की लाश न निकली तो नरेंद्र बब्बर के बुरे दिन आ जाएंगे। पृथ्वीराज। यस सर। गड्ढे से ललिता के बजाय किसी और की लाश मिलने पर मुझे मारकर आप इसी गड्ढे में दफना दीजिए, पर मेहरबानी करके सच्चाई को मत दफनाइए सर। खोदो। पृथ्वी ने वो गड्ढा लाश के लिए नहीं हम लोगों के लिए खुदा है, भला इसी में है, आज ही इन दोनों को जमानत पे छुड़वा लो। ये क्या, मेरे आते ही बिजली बंद कर दी? नहीं सर, करंट चला गया है। मिस्टर भास्कर राव, मुंह फुला के क्यों बैठे हैं? मैंने आप दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया कि आप मतभेद को बुला के पृथ्वीराज को नाकामयाब करने का प्लान बनाए। हमारी पुरानी दुश्मनी है, अब उस दुश्मनी को कैसे भुला दूं? आपकी तरफ से दुश्मनी शुरू हुई थी। हाँ, इसलिए पहले आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। ओफो, ये कैसी जिद है बच्चों जैसी। जब आप लोगों का टाइम खराब है तो आप लोगों को मिलजुल के काम साधना चाहिए। ललिता की लाश को बाहर निकाल के पृथ्वीराज ने आधा केस तो अभी से सुलझा दिया, अब वो आपके बेटे के साथ हम सबको इस केस में घसीट के चूल्हे पे चढ़ा देगा। तो फिर ऐसा कीजिए, आप ही पृथ्वीराज का काम तमाम करवा डालिए। ऐसा ही कुछ कीजिए। हाँ हाँ, आप लोगों के साथ हाथ मिलाया तो आप समझते हैं कि सारा डिपार्टमेंट करप्ट हो गया। ट्रांसफर करा देता हूँ उसका। कौन हो तुम? लाइट क्यों बुझाई जानते हैं? ताकि आप जैसे बड़े पुलिस अफसरों का भयानक रूप उजागर ना हो सके। कातिलों को पकड़ने वाले हाथों का, हथियारों से हाथ मिलाने का घिनौना नजारा और कोई देख ना पाए। डीआईजी साहब, आपसे सिर्फ इतना पूछना है कि आप बिना आनाकानी किए इस सब इंस्पेक्टर के हवाले होकर हथकड़ियां पहनेंगे या फिर? तुझे न मारने की राय अभी अभी मैंने अपने मित्रों को दी थी, मेरे ओहदे पर आँच आ जाने से मैं वो राय वापस ले लूंगा। Thank you.
अस्पताल ले चलिए। चमन। नो, नो। अब मैं नहीं जीऊंगा। नागमणि, मरने से पहले मैं आपके पति क्यों मरे गए ये बताकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। सर। हाँ मैडम, उस दिन लेबोरेटरी में ललिता को अकेली पाकर मनिंद्र बब्बर ने इस समय तुम यहां, तुम्हें विद्या पे इतनी श्रद्धा। उधर देखो, लैब असिस्टेंट को पीने को भेज दिया है मैंने। लेक्चरर वाइस चांसलर के पास गया है। वंडरफुल चांस। किसका? इसे रेप करने का। अबला का मान भंग। उफ़, मेरा हृदय भंग हो जाएगा। अच्छा तो तुम दरवाजे पर पहरा दो, इसे तो मैं देखता हूँ। मंत्री को पहरे पे बिठा के मुंह पे तेजाब डालने की धमकी देकर उसने ललिता की इज्जत लूट ली। वाइस चांसलर साहब को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की। आपके न मिलने पर वो मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा नरेंद्र बब्बर से झगड़ा मत बोलो, मैं ललिता को उनसे काफी रुपया दिलवा दूंगा। मेरी बात सुनके वो सीधे मिनिस्टर से शिकायत करने चल दिए। मैंने फोन से नरेंद्र बब्बर को जब सारा किस्सा बता दिया तो उसने उन्हें रास्ते में रोक लिया। कार से उतर कर भागते हुए उसने ललिता और तुम्हारे पति को मरवा डाला। एसपी नागमणि, तुम्हारा माथा सूना हो जाने का कारण मैं हूं। मुझे माफ कर देना सर। सब इंस्पेक्टर, तुम जैसों के पुलिस डिपार्टमेंट में होने से डिपार्टमेंट का गौरव बढ़ेगा। प्यारा मनिंद्र अभी मरा नहीं जिंदा है, पकड़ के सजा दिलवाओ उसे। पृथ्वी, मेरी मेहमानी की कमाई गवर्नमेंट को सौंप देना, तभी तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आशा, मनिंदर बब्बर मरा नहीं बेटी, वो जिंदा है। डीआईजी साहब ने मरने से पहले अपने बयान में कहा था। बस कर बेटी, आज मैं खुश हूँ। मैं तो अपना सब कुछ गवाही बैठी थी, तुझे निर्दोष पाकर सारी खुशियां मिल गई मुझको। सुन बेटी, तेरा ब्याह हो जाए, तू अपने पति के साथ सुख भरा जीवन बिताए, बस यही तमन्ना है मेरी। चला तू दिल पे मेरे प्यार की कसम, है तू है मेरी जिंदगी।
दिलदगानी चार मेरा मेरी दुनिया अरे तेरी मेरी खूब है जोड़ी प्यास बुझा दे जाने जाना दिल ले गया अब क्या लेगा चुप है क्यों बोल सजन राना शर्मा तेरे लिए है जान और दिल ये शोला बदन चुप है क्यों बोल सजन आना शर्मा अरे प्यार की कहानी पानी में आग लगी है प्यार की नदी में अगर डूब जाऊं किसका ही नाम जिंदगी है बाहों में उठा ले गले से लगा ले कली तन मन की खिला दे तेरे बिना पूरी मैं हूँ अधूरी फोटो पर रंग चुरा ले अरे आंखों आंखों में जो हुआ होना था वही तो हुआ जवानी दीवानी नहीं माने कुछ नहीं बोलूंगी मैं सावन का महीना है चाहे जितने झटके लगा ले अरे तेरे लिए है जान और दिल ये शोला बदन चुप है क्यों बोल सजन आना शर्मा आने दे अब तो दूरी मिट जाने दे देखो नहीं चलेगा बहाना दिल लगा अब क्या लेगा चुप है क्यों बोल सजन आना शर्मा है तू है मेरी जिंदगानी प्यार मेरा मेरी दुनिया और तेरी मेरी खूब है जोड़ी प्यास बुझा दे जाने जाना राधा राधा क्या हुआ बेटी मैं बर्बाद हो गई आंटी मैंने सपने में देखा पिछली आशा से ब्याह करके प्यार के नग में गा रहा है हाथ लगे ऐसे सपने को मेरे बेटे पे शक करने के सिवा और कोई काम नहीं है तुझे सो जा रुको 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 मेरी प्यारी बीवी हो खड़ी हो जाओ किसलिए इंस्पेक्टर मुझे पकड़ने आ रहा है वो बड़ा जालिम है मैं तुम दोनों के पीछे छुप जाऊंगा मेरे आगे से हिलना मत कह देना मैं नहीं हूं कामेंद्र बब्बर कहाँ है वो घर में नहीं है आप कौन है कामेंद्र बब्बर की अर्धांगिनी हूँ और ये कौन है मैं भी उनकी पत्नी हूँ आपके पति खुशी के मौके पर मौजूद नहीं कैसी खुशी कुछ नहीं वो एक मर्डर केस में हत्यारों को पकड़वाने में आपके पति ने मदद की थी बस उसके लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ वही रुपए मैं देने आया था रुपए लाए हैं
मैं यही हूँ, लाइए अपनी प्यारी प्यारी बीवियों के लिए जेवर बनवा दूंगा। और इसको तो अन्याय है यार, धोखेबाजी है। बबर, तुम मेरे साथ लखनऊ चल रहे हो, वहाँ तुम मेरी कोठी में ठहरोगे, कुछ दिन बाद जब मामला या ठंडा हो जाएगा तो वापस लौटाना। ठीक है, लेकिन यहाँ भास्कर राव पकड़ा गया तो उसका भी कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा, और फिर भास्कर राव कोई बच्चा नहीं है। मिस्टर नरेंद्र बब्बर, यू आर वांटेड एट द रिसेप्शन बाय योर ब्रदर कामिंदर बब्बर। थैंक यू। तुम बाहर मत जाओ, किसी कर्मचारी से पूछवा लो। वो दरअसल बड़ा भोला है, किसी मुसीबत में फंस गया होगा, मैं अभी देख के आता हूँ। होशियार रहना। कामेंद्र, तूने मुझे बुलाया? मैंने बुलाया है हुजूर। यू आर अंडर अरेस्ट, कम ऑन। जन्म से ही करोड़पति हूं और मुझे जन्म भर जेल में रखूंगा। इम्पॉसिबल। नरेंद्र बब्बर को जेल में रखना नामुमकिन है इंस्पेक्टर। भूतपूर्व मंत्री जी नमस्कार। वेरी गुड, बड़ों को इज्जत देना मालूम है तुम्हें। आप बड़े हैं इसलिए नहीं, देश के प्रति मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है इसलिए। वेल, तुम समझ गए, छोड़ दो इन्हें। कोई और बात कीजिए, पुलिस वालों का इतना घमंड होना अच्छा नहीं। जरा भी घमंड नहीं हम लोगों में, इसीलिए चंद नेतागण पुलिस वालों पर अपना रौब जमाते हैं। व्हाट? सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। मैं चाहूं तो सवेरा होने के पहले तुझे चंबल के डाकों के हाथों में सौंप दो। अगर और कुछ भी बोले तो इसी वक्त आपको भी अंदर बंद कर दूंगा। आई सी, राजनीति का खेल है सीढ़ी और सांप का। हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और सामने वाले को सांप के मुंह के जरिए नीचे भेज देते हैं। सवेरा होने से पहले नरेंद्र बब्बर को घर पहुंच जाना चाहिए, वरना पूरे राज्य के अंदर दंगा फसाद होगा, मजहबी पार्टियां भड़क उठेगी, प्रजा के जानो माल का बेहद नुकसान होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर होगी, याद रखना। पूरे राज्य के अंदर दंगा फसाद होगा, मजहबी पार्टियां भड़क उठेगी, प्रजा के जानो माल का बेहद नुकसान होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर होगी, याद रखना। तुम जा सकते हो। रोज तुम दूसरों को डिक्की में ठूंसते रहे, आज तुम्हें डिक्की में ठूंसने का मौका मुझे मिला। कम ऑन, क्विक। कांस्टेबल नरेंद्र बब्बर भाग रहा है, कम ऑन। रास्कल, बच के भाग जा, मैं उसका पीछा करता हूं। जूते बैग। हेलो, कौन है आधी रात को? तेरी नींद हराम करने वाला परम मित्र। हु आर यू? पृथ्वी, इंस्पेक्टर पृथ्वी राज। तेरी इतनी जरूरत? तुझे ऐसी खबर देने जा रहा हूं मैं जो तेरे शराब के सुरूर को दिल के दौरे में बदल देगा। ध्यान से सुन। बोल। नरेंद्र बब्बर थाने से फरार हो गया। यह तो मेरे दिल को खुश करने वाली बात है, दिल का दौरा कैसे पड़ेगा? क्योंकि असल में वो फरार नहीं हुआ, मैंने ही उसे किडनैप किया। अब तो तेरे दिल में दर्द का तूफान चालू हो गया होगा। उस कमीने नरेंद्र बब्बर से किसी भी तरह सच्चाई कबूल करवा के तुझको भी जेल में ठूंस दूंगा।
अगर तेरे सीने में दिल है तो दिल के दौरे से मर। जन्म से करोड़पति हूँ, सारी जिंदगी भीख मंगवाऊंगा तुझसे। मेरी पावर तुझे, मेरी पावर तो कब की फ्यूज हो चुकी। जैसे जादूगर के प्राण सात समंदर के पार तोते में छुपे हुए थे, वैसे ही मैं तुझे इतनी दूर पहुंचा दूंगा कि किसी को तेरा अता पता ना मिले। अगर मुझे कुछ हुआ तो नथिंग विल हैपन टू मी। तू हवालात से भागा हुआ मुजरिम है, बोल तेरा भाई किस तरह बचा? नहीं बताऊंगा। ओके बोल। बोल कमीने, मरने का नाटक करने वाले अपने भाई को तूने कैसे बचाया बता? नहीं तो मुझे मार डालेगा। क्या कर लेगा तू? ना मुझे मार पाएगा, ना कोई बात उगलवा पाएगा। ऑलराइट, अभी तक तुझे मारने का ख्याल नहीं आया था, लेकिन अब आ गया। मुझे मार के तो खुद ना बचेगा। मैं बच जाऊंगा। मैंने भागते हुए मुजरिम का पीछा किया तो मुजरिम मुझे मारने के लिए झपटा। आत्मरक्षा के लिए मुझे भी गोली चलानी पड़ी, ये बोल के मैं साफ बच जाऊंगा। बस गोली मत मार, गोली मत मार। बताता हूं, बताता हूं। उस रोज आशा मेरे भाई को बोतल मार के भाग गई। जल्दी बताओ, मार के इसको ऊपर डाल दे, चल दबा दे, आग को दबा, दबा दे, इधर ले आ, भैया, भैया, इस तरह चकमा दिया कानून को। अब तेरा मरना जीना एक सा ही है, ये समझ ले तू मौत के मुंह में पहुंच गया। कौन है तुम लोग? जल्दी से पेट्रोल डालो। ड्राइवर, उस मोटरसाइकिल का जल्दी पीछा करो। हुए मनिंद्र बब्बर को जिंदा देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिस मनिंद्र के मारने के जुर्म में तुम्हारी बेटी फांसी पर चढ़ने वाली है, उसको तुम जिंदा देखकर अपनी बेटी को बचाने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे भागी चली आओगी, यही सोचकर हमने ये प्लान बनाया था। और तुम आ गई। ले जाओ इसे यहां से। चल। Thank you.
सेठ रावड़ी साहब, तुम्हारा बैड लक है। हमारी अकलमंदी के सामने तुम्हारी दाल नहीं गल पाई। तुम फौरन अकेले ग्रैंड ट्रंक रोड के 25वें किलोमीटर के पत्थर के पास पहुंच जाओ। पुलिस को साथ लाए तो तुम्हारी एसपी साहिबा और तुम्हारी प्रेमिका राधा को खत्म कर दिया जाएगा। और हाँ, इंस्पेक्टर के रूप में नहीं, सेठ राउडी के रूप में आना। राउडी साहब, स्वागत है। तुमने इन्हें किडनैप करके जहाँ रखा था उस जगह का पता हमें कैसे चला, यही ताज्जुब है ना? उधर देखो। तुम सबको गोली मार देने के बजाय जिंदा क्यों रखा जा रहा है मालूम है तुम्हें? कोर्ट में केस जीतने के वास्ते, इस एसपी से अपने हक में गवाही दिलाने के वास्ते। मैं एसपी साहिबा को कोर्ट में ले जा रहा हूँ। एसपी साहिबा को एसपी के रूप में पेश करेंगे। मुझे तुमने किडनैप किया था, मैं ये बोलूंगा, ये हाँ बोलेगी। डीआईजी को नरेंद्र बब्बर ने नहीं शूट किया, गुस्से में पृथ्वीराज ने गोली चलाई थी, ये बोलेंगे हम, हामी ये भरेंगी। मनिंदर बब्बर अब जिंदा नहीं है, वो मर चुका है, मैं बोलूंगा, ये बोलेंगी हाँ। ये हाँ ना बोली तो वहाँ राधा मरेगी, यहाँ तू मरेगा। अब चलते हैं। नेताओं को इतना गया गुजरा तो मत समझो मिस्टर पृथ्वीराज। समुद्र मंथन से निकले हुए विष को शिव शंकर ने पिया, उसके बाद निकले अमृत को देवताओं ने पिया, लेकिन मामला वहीं पर खत्म नहीं हुआ। उसके बाद राजनीति नाम की एक अजीब और गरीब शय पैदा हुई, जिसे हम घोट के पी गए। कालकूट, विष, अमृत और राजनीति, इन तीनों का सूप बनाकर एक ही घूंट में पी सकता है पृथ्वीराज। जल गई ऐठन बाकी है, घाड़ों से पीस के मैं चटनी बना दूंगा तेरी। ये झूठ है योर ऑनर, मैं भला क्यों भागता? हवालात से एसआई पृथ्वीराज खुद भगा कर ले गया मुझे, ये तो एसपी साहिबा बचा कर ले आई मुझे। सच्चा या झूठ वही आपको बताएंगी। डीआईजी साहब को मैंने शूट नहीं किया, गुस्से में आकर उन पर एसआई पृथ्वीराज ने गोली चलाई। सच्चा या झूठ एसपी साहिबा से पूछिए। एसपी साहिबा की बेटी आशा के हाथों मेरा भाई महेंद्र बेदर्दी से मारा गया। मेरे भाई के जिंदा होने की बात मनगढ़ंत है, आप चाहें तो एसपी साहिबा से पूछ लें। एसपी साहिबा, क्या आप इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगी? योर ऑनर, डॉक्टर प्लीज मेरा साथ दीजिए। इस मौके पर एक छोटा सा किस्सा जरूर सुनाना चाहूंगा। कोई जरूरत नहीं, नागमणि नहीं, जज साहब को उलझन में डाल दिया। यो ऑनर, एसपी साहिबा को होश में आने में काफी टाइम लगेगा। कोर्ट की कार्रवाई तब तक मुलतवी की जाती है। राम नाम सा चुप रहे।
चला गया तो मुसीबत होगी। कोर्ट के बाहर ही उसे बम से उड़ा दो। जरूरत पड़े तो मिस्टर भास्कर राव के ग्रुप को खत्म कर देना। मनिंदर कोर्ट में पहुंचने पाए। कम ऑन क्विक। ओके सर। नमस्कार।
नागमणि देवी, नरेंद्र बब्बर ने जो भी कहा क्या आप उसे मानने को तैयार हैं? योर ऑनर, इंसाफ को बचाने के वास्ते मैं अदालत की दीवारों को फोड़कर यहां पर पहुंचा। गवाह और मुझको मारने की कोशिश करने वाले उन जालिमों को सबक सिखाने के वास्ते समाज के दुश्मनों को इंसाफ की बलिवेदी पर चढ़ाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। योर ऑनर, शराफत का बाना पहने हुए असली मुजरिम यही लोग हैं जिसने अपने आप को मरा हुआ कहकर कानून की आंखों में धूल ठोंकी। ये वही आदमी है योर ऑनर। मनिंद्र बब्बर की हत्या के केस में मिस आशा बेगुनाह है, उसे बाइज्जत रिहा किया जाता है। आईपीसी 302 के मुताबिक मनिंद्र को खून के जुर्म में मौत की सजा दी जाती है। नरेंद्र बब्बर मंत्री और भास्कर राव को आजीवन कैद की सजा दी जाती है। योर ऑनर, सिंगल डे के लिए चीफ मिनिस्टर बनने की मेरी ख्वाहिश थी, एटलीस्ट सिंगल डे के लिए सजा घटा दीजिए योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। अपनी हिम्मत और साहस से शहर का अमनो अमान लूटने वालों को कानून के हवाले करने पर अदालत पृथ्वीराज की मशहूर है। एसपी साहिबा, अपने वादे के मुताबिक मैं आपकी बेटी आपको सौंप रहा हूँ। इससे ही जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। बेटी को माँ से मिलाने के उपकार के बदले मेरी ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। थैंक्स। पर ब्याह कब है? क्यों करूंगी इतनी जल्दी ब्याह? पहले मैं एक बहुत पेचीदा कहानी सुना के अंत पूछूंगी। रुको रुको, अपने पति को कहानी सुना के तंग ना करना। फिर बाहों में लेके तंग करना रानी। अच्छा मेरे भोले। रानी रानी ओ मेरी प्रेम कहानी, छलकी छलकी जानम है तेरी जवानी। बाहों में आ मुझ में समा, तू है हसी मैं हूँ जवान। राजा राजा धड़कन में तू समा जा, तेरा मेरा